जब किसी मरीज को अस्पताल में लाया जाता है और वहां पे डॉक्टर कहता है कि मरीज की स्थिति नाजुक है, इन्हें आईसीयू में भर्ती करना पड़ेगा, तो ऐसे में सभी के माथे पे चिंता की लकीर आ जाती है। तो नमस्कार दोस्तों, मैं हूं डॉक्टर वैभव तिवारी। आज हम यही जानेंगे कि आईसीयू में ऐसा आखिरकार होता क्या है जिससे गंभीर रूप से ग्रसित मरीज को डॉक्टर बचाने में सक्षम होता है और मरीज को नया जीवन मिलता है। तो चलिए जानते हैं। सब्सक्राइब करिए माई वीजे यूट्यूब चैनल को और इस बेल आइकन को भी बजा दीजिए जिससे मिल सके लेटेस्ट वीडियो आपको सबसे पहले। आईसीयू का फुल फॉर्म होता है इंटेंसिव केयर यूनिट, जिसे हम हिंदी में गहन चिकित्सा केंद्र भी कहते हैं। ये एक खास तरह का कक्ष होता है जिसमें तमाम तरीके के अत्याधुनिक उपकरण मौजूद होते हैं जो किसी भी गंभीर रूप से ग्रसित बीमारी में आए हुए मरीज को या एक्सीडेंट ट्रॉमा से आए हुए मरीज को बचाने के लिए बहुत जरूरी होते हैं। आईसीयू में हर रोगों के अनुसार विशेष तरह की मशीनें होती हैं और मरीज के ऊपर बहुत बारीकी से नजर रखी जाती है। जब किसी व्यक्ति को हॉस्पिटल में एडमिट किया जाता है और उस व्यक्ति की हालत बहुत खराब हो जाती है जिसमें जान का खतरा होता है, ऐसे स्थिति में उस मरीज को आईसीयू में रिफर कर दिया जाता है। दोस्तों, जब मरीज की स्थिति बहुत ही गंभीर हो जाती है तो ऐसे में आईसीयू में मौजूद उपकरणों की जरूरत पड़ती है। आईसीयू किसी भी अस्पताल का एक विशेष विभाग होता है जिसमें मरीज को इंटेंसिव ट्रीटमेंट मेडिसिन प्रदान की जाती है, अर्थात गहन उपचार प्रदान किया जाता है। अब आईसीयू में ऐसे क्या मशीन होती है, क्या उपकरण होते हैं जिससे गंभीर से गंभीर स्थिति में आए हुए मरीज को बचा पाना मुमकिन हो सकता है, अब हम उस मशीन के बारे में जानते हैं। पहली मशीन होती है वेंटिलेटर। ये मशीन तब उपयोग में आती है जब मरीज सांस नहीं ले पाता है, मतलब ऑक्सीजन नहीं ले पाता है, तो ऐसे में एक पाइप उसके नाक में डाला जाता है और जिस मशीन के द्वारा उसको ऑक्सीजन दी जाती है उस मशीन को वेंटिलेटर कहा जाता है। दूसरे नंबर की मशीन होती है इलेक्ट्रोइंसेफेलोग्राफी। जिस तरह का इसका डिफिकल्ट नाम है वैसे ही इसका जटिल काम है। ये मशीन हमारे दिमाग में चल रही गड़बड़ी को पता करने के लिए उपयोग में लाई जाती है, क्योंकि ये दिमाग में चल रही इलेक्ट्रिक गतिविधियों को रिकॉर्ड करती है। इसे शॉर्ट में ईईजी मशीन भी कहा जाता है। तीसरा उपकरण है ईईजी बॉक्स। एक वक्त में हमारे दिमाग में बहुत सारी गतिविधि चलते रहती है और जब डॉक्टर को लगता है कि आईसीयू में भर्ती जो मरीज है वो रोगों के अनुसार उसको एक से ज्यादा इंफॉर्मेशन चाहिए, तब इस मशीन का उपयोग किया जाता है। चौथे नंबर की मशीन है पल्स ऑक्सीमीटर। ये जो मशीन होती है ये खून में ऑक्सीजन की मात्रा को पता करने के लिए उपयोग में लाई जाती है। इसमें जो स्विच होते हैं वो फिंगर या थंब में लगाए जाते हैं। पांचवी जो मशीन होती है वो डायलिसिस होती है। डायलिसिस मशीन स्पेशल किडनी पेशेंट्स के लिए उपयोग में लाई जाती है क्योंकि उनकी किडनियां खून को साफ नहीं कर पाती, फिल्टर नहीं कर पाती, तो ऐसे इमरजेंसी स्थिति में डायलिसिस मशीन का यूज किया जाता है। ये मशीन का काम होता है कि मरीज के शरीर से गंदा रक्त निकालना, अंदर फिल्टर करना और फिल्टर करने के बाद, साफ करने के बाद खून को अंदर शरीर के अंदर पहुंचाना, तो ये होता है डायलिसिस मशीन का काम। छठवां जो उपकरण है वो है कंप्रेशन बूट्स। जब कोई मरीज बेहोश रहता है, जनरल एनेस्थीसिया के कारण बेहोश रहता है, तब किसी किसी रोगी के पैरों में खून के थक्के जमते हैं, ऐसी स्थिति में कंप्रेशन बूट्स का यूज किया जाता है। ये बूट्स में कंप्रेशन होते रहते हैं एक रेगुलर रिदम में जिसके कारण खून के थक्के नहीं जमते हैं और ब्लड का सर्कुलेशन प्रॉपर वे में होते रहता है। इसके बाद जो मशीन आती है वो है आईवी पंप। इसके द्वारा इंट्रावेनियसली फ्लूइड्स दिया जाता है पेशेंट्स को। जो फ्लूइड्स की जरूरत होती है डॉक्टर उसके अनुसार इस मशीन के द्वारा देता है मरीज को। इसके बाद आता है सेंट्रल लाइन यानी केंद्रीय लाइन। ये एक नली होती है जिसको शरीर के एकदम अंदरूनी शिरे में डाला जाता है, जिसके द्वारा दवाइयों को शरीर के अंदर डाला जाता है और अंदर से खून को बाहर निकाला जाता है। अगला जो उपकरण होता है वो है बेड साइड मॉनिटर। ये मॉनिटर का काम होता है कि मरीज में चल रही जितनी भी गतिविधियां हैं, जितनी भी मशीन लगाई गई है, वो सब की रीडिंग ये मॉनिटर में देती है, तो एक ही मॉनिटर में पूरा इंफॉर्मेशन डॉक्टर को मिल जाता है। नेक्स्ट उपकरण है फीडिंग ट्यूब। ये उपकरण के द्वारा मरीज
के अंदर खाना पहुंचाया जाता है। ऐसी स्थिति में जब मरीज कुछ खा खुद नहीं पाता है तो ट्यूब की जरूरत पड़ती है, जिसको हम फीडिंग ट्यूब कहते हैं। इसी के द्वारा खाना शरीर के अंदर डाला जाता है। अगली जो मशीन है वो है डिफाइब्रिलेटर। ये स्पेशल हार्ट अटैक वाले पेशेंट्स के लिए उपयोग में आती है। जब ऐसी स्थिति रहती है कि हार्ट की रिदम एबनॉर्मल चलती है तो उस समय शॉक दिया जाता है हार्ट में नॉर्मल करने के लिए। इसके लिए मैंने स्पेशल डेडिकेटेड वीडियो भी बनाया है सीपीआर और डिफाइब्रिलेटर, जिसका मैं लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, आपको जाके वो वीडियो जरूर देखिएगा। तो दोस्तों यही सब मशीन है जो आईसीयू में रहती है, जिसके कारण डॉक्टर सक्षम होता है खतरनाक स्थिति में भी मरीज को बचाने में और मरीज को नया जीवन देने में। आशा है कि आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो। अगर इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी हो तो प्लीज लाइक करिएगा और इस वीडियो को अपने फैमिली और फ्रेंड्स के साथ भी शेयर करिएगा कि उनको भी पता चल सके कि आईसीयू में ऐसा होता क्या है। और अगर आपने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि मैं ऐसे ही इन्फॉर्मेटिव वीडियो बनाते रहता हूँ और रिसर्च करके लाते रहता हूँ। टिल देन थैंक यू फॉर वॉचिंग। जय हिंद।